हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर प्रवीण खापीकर, नवजात शिशु बार विशेषज्ञ। बुखार सर्दी खांसी के लिए क्या करें क्या ना करें। माता पिता बहुत परेशान हो जाते जब उनके बच्चे को अचानक बुखार सर्दी खांसी होती है, और ऐसी अवस्था में बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग करते हैं। बुखार के अलग दवाइयाँ, एंटीबायोटिक, सर्दी खांसी के लिए बहुत सारे कफ सिरप, काफ़ी बार 2-3 दिनों के बाद में फिर से दवाइयाँ बदल देते हैं। पर क्या जानते हो आप कि ऐसा करना बिल्कुल भी गलत होता है, और काफ़ी बार इन दवाइयों से भी जो है बच्चों में कुछ साइड इफेक्ट हो जाते हैं। आइए इस वीडियो में आपको बहुत 4 महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ जिससे आप अपने बच्चे का आसानी से इलाज करा सकते हैं। बुखार सर्दी खांसी क्यों होती है, उसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं। नंबर 2, माता पिता को ऐसे समय क्या करना चाहिए। नंबर 3, क्या नहीं करना चाहिए। और नंबर 4, कब हमें डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। नंबर 1, क्यों बुखार सर्दी खांसी होती है, उसमें क्या लक्षण दिखते हैं। यह वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें अचानक तेज़ गति से बुखार, 102, 103, 104, ठंड लग के या बिना ठंड लग के हर 4 से 6 घंटे में आते रहता है। सर्दी जो है नाक का बना, गले में खिचखिचाहट या दर्द होती है, साथ में छींक भी आती है। खांसी जो है सूखी रहती है, 2-3 दिनों के बाद में आती है। साथ में जो है हाथ पैर में दर्द, सर दर्द, बैकएक, यह भी सब लक्षण दिखते हैं। थकान बहुत ज़्यादा आती है। कुछ जो है बच्चे, कमज़ोर बच्चे चक्कर खाकर गिर भी जाते हैं। कुछ बच्चों में जो है वॉमिटिंग, लूज़ मोशन भी होता है। साधारणतः 3-4 वॉमिटिंग होती है, उसके बाद ठीक हो जाती है। लूज़ मोशन भी 1-2 दिन के लिए रहता है, फिर ठीक हो जाते हैं। भूख न लगना, छोटे बच्चे में स्पेशली जो खा नहीं खाते हैं, सॉलिड खाना खाने को देखते नहीं, केवल तलब पदार्थ लेते रहते हैं। कुछ जो छोटे बच्चे रहते हैं, 1 साल के नीचे बच्चे रहते हैं, उनमें जो है लक्षण दिखते हैं, लगातार रोना, ठीक से सो नहीं पाना, दूध ना पीना, छाती में घरघराहट की आवाज़ आना, यह भी सब लक्षण दिखते हैं। कुछ बच्चों में ऐसा भी होता है तेज़ बुखार की वजह से उन्हें झटके आ जाते हैं, आँखें ऊपर कर लेते हैं, हाथ पर बिल्कुल टाइट कर लेते हैं, और कुछ कुछ बच्चे जो है बहुत बड़बड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, यह भी लक्षण दिखते हैं। माता पिता को इलाज के लिए क्या करना चाहिए। बुखार के लिए हम जो है बुखार की दवाइयाँ दे सकते हैं, हर 4 से 6 घंटे में आप दे सकते हैं। उसके लिए हम पैरासीटामॉल दवाई है, अगर बहुत तेज़ बुखार 102 के ऊपर, तो पैरासीटामॉल ब्रुफेन का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। बुखार जो है हमेशा थर्मामीटर से चेक करिए, अगर टेम्परेचर 99.5 के ऊपर जाता है तब हमें दवाइयाँ देने का है। अगर बच्चे को 102 103 बुखार है और आपने दवाई दी और बुखार 100 तक भी आ गया, तो फिर से दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे माता पिता क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में बच्चा गर्म लग रहा है करके हर 2-3 घंटे में दवाई पिलाते रहते हैं। ऐसा करना गलत होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अगर दवाई का प्रयोग करते हैं तो उससे जो है बुखार की दवाइयों से जो लीवर और किडनी डैमेज होते हैं, इस बात का ध्यान रखने का है। तो हमेशा आप थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करके ही बच्चे को दवाइयाँ दीजिए। साथ में हम जो है बच्चे को जो है साथ में बुखार उतारने के लिए जो है बच्चे को जो है गर्म कपड़े जो पहना करके उतार लीजिएगा, उसको पंखे के नीचे रखिएगा, घर की सब खिड़कियाँ खोल लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा बुखार होता है स्पॉन्जिंग भी कर सकते हैं। सर्दी खांसी के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर बच्चे को जो हल्का फुल्का सर्दी खांसी है, बच्चे की रूटीन डिस्टर्ब नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं होती, इस बात का ध्यान रखें। हम बहुत सारे घरेलू उपचार कर सकते हैं, बच्चे को स्टीम दे सकते हैं, गर्म पानी से गार्गल करा सकते हैं, इससे जो गले की सूजन कम हो सकती है। छोटे बच्चे को आप स्टीमी बात करवा सकते हैं। साथ में घर में जो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि हो गया हल्दी, हो गया अदरक, हो गया शहद, हो गया लहसुन, हो गया तुलसी के पत्ते, हो गए, इसमें जो है एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, और ये जो है यह सब चीज़ें भी आप जो इलाज के लिए प्रयोग कर सकते हो। जैसे बच्चे को आप हल्दी का दूध पिला सकते हो, शहद जो अच्छे कफ सिरप का काम करता है, अदरक जो है इसमें जो है कफ को सप्रेस करता है, स्पेशली ड्राई कफ को, स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं, इससे सांस में तकलीफ कम होती है। तो उसी के पत्ते में जो है एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है, तो यह सब चीज़ों को आप उपयोग कर सकते हो, और इससे भी जो है बच्चे ठीक हो जाते हैं, देखने में आया है। बच्चे जो है ऐसे समय खाना नहीं खाते हैं, सॉलिड फूड खाने को देखते नहीं है, तो हम जो है बच्चे को तरल पदार्थ दे सकते हैं। अगर बच्चे को लूज मोशन वॉमिटिंग है तो आप ORS दे सकते हो। कुछ छोटे बच्चे रहते केवल माँ का दूध पीने को देखते, तो आप उसे लगातार जो मदर को जो है ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहना चाहिए। कुछ जो बच्चे रहते हैं, बड़े बच्चे रहते हैं, उनको आप तरल पदार्थों का सेवन दे सकते हैं, जैसे वेजिटेबल सूप दे सकते हैं, उसमें सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है, अजवाइन के पत्ते भी यूज़ कर सकते हो आप। साथ में जो है फ्रूट्स के शेक बना के दे सकते हैं, इससे बच्चे को अच्छी एनर्जी मिलती है और बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं। साधारणतः बच्चे कितने दिनों में ठीक हो जाते हैं। बुखार जो है 3 से 4 दिनों में चला जाता है, सर्दी खांसी 1 से 3 हफ्तों में जाती है, कभी कभी 3 से 4 हफ्ते भी लग जाते हैं। नंबर 3, हमें क्या नहीं करना चाहिए। बुखार के लिए हमें एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना है। कुछ पेरेंट्स जो है पहले दिन से एंटीबायोटिक देते हैं, वो सोचते हैं कि 2 दिन में बुखार ठीक हो जाएगा, क्या ऐसा सोचना गलत है। कुछ पेरेंट्स जो 2-3 दिन बाद फिर से एंटीबायोटिक बदल देते हैं, ऐसा भी करना गलत होता है। हमें एंटीबायोटिक का प्रयोग कब करना चाहिए। अगर बुखार 3 से 4 दिनों के ऊपर बना हुआ है, तो आप ब्लड टेस्ट करवाइए बच्चे की, उसमें कुछ ऐसा लगता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तभी एंटीबायोटिक देना चाहिए। क्योंकि एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, उससे बच्चे को वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन होता है, काफ़ी बार कॉन्स्टिपेशन भी होता है, बच्चे खाना खाने को देखते नहीं, और दूसरे भी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, शरीर में दाने वाने भी आ जाते हैं। नंबर 2, हमें सर्दी खांसी के लिए मल्टीपल कफ सिरप का यूज़ नहीं करने का है। बहुत से पेरेंट जैसे बच्चे को सर्दी खांसी होती है कफ सिरप दे देते हैं, 2-3 दिन के बाद फिर से दवाइयाँ बदल देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत होता है।
क्योंकि स्टडी में पाया गया कि ये कफ सिरप से सर्दी खांसी का ड्यूरेशन कम नहीं होता, यह अपना समय लेकर जाते हैं। और साथ में जो सर्दी खांसी की दवाइयों में जो रहता है सिडेटिव बहुत ज़्यादा रहता है, उससे बच्चे बहुत ड्राउजी फील करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे दूध नहीं पीते, खाना भी ठीक से नहीं खाते, तो इस बात का ध्यान रखने का है। नंबर 3 जो है, बच्चे को वॉमिटिंग लूज मोशन रहता है तो उसके लिए अलग दवाइयाँ देने की जरूरत नहीं रहती है। नॉर्मली बच्चे को जो है ये 24 घंटे में ठीक हो जाता है, उसके लिए आप भरपूर बच्चे को तरल पदार्थ दें, काफ़ी बार आप उसके लिए भी दवाई दे देते हैं और बच्चे में कुछ साइड इफेक्ट हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। और नंबर 4, बच्चा अगर खा नहीं खा रहा है तो ऐसी कंडीशन में कोई ऐसी दवाइयाँ प्रयोग नहीं करना जिससे बच्चा खाना खा ले, ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं आती हैं। जनरली जो है बच्चा अगर वायरल इन्फेक्शन से रिकवर हो जाएगा तो खाना चालू कर देता है, इस बात का ध्यान रखें। नंबर 4, कब हमें जो है बच्चे को डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। नंबर 1, बच्चे को जो है लगातार 3 दिन के बाद ये बुखार बना हुआ है, 102, 103, और बुखार कम नहीं हो पा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। नंबर 2, बच्चे को जो है सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत तेज़ गति से सांस ले रहा है, सांस लेते समय छाती में गड्ढे पड़ रहे हैं, उसके हाथ पर नीले दिख रहे हैं। नंबर 3, बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, उसकी पूरी रूटीन डिस्टर्ब हो गई है, वो ठीक से सो नहीं पा रहा है, खास के उसके जो है छाती में सर दर्द हो रहा है, साथ में सांस में तकलीफ बनी हुई है। नंबर 4, बच्चा कुछ भी नहीं खा पा रहा है, लगातार उल्टी कर रहा है, लूज मोशन हो रहा है, बिल्कुल सुस्त हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है। नंबर 5, छोटे बच्चे स्पेशली जो 1 साल के नीचे बच्चे रहते हैं लगातार रो रहे हैं, छाती से बहुत ज़्यादा घरघराहट की आवाज़ आ रही है, ठीक से दूध नहीं पा रहे हैं, छोड़ छोड़ के दूध पी रहे हैं, उनको पसीना आ रहा है। नंबर 6, अगर जो है 3-4 साल के नीचे बच्चे अचानक तेज गति से बुखार आ गया, उसे झटके आ गए, आँख ऊपर कर लिया, हाथ पैर में अकड़न आ गई, ऐसे सब कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, ऐसे कंडीशन में डॉक्टर आपके बच्चे की जाँच करेंगे और इलाज करेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में बुखार सर्दी खांसी संबंधी जो जानकारी दी होगी वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, इससे आप अपने बच्चे का आसानी से इलाज करा सकते हैं। इस वीडियो को जो है लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हमारी नई वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।